Hyundai अपनी मोस्ट अवेटेड माइक्रो SUV Extra को 10 जुलाई को इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कंप्लीट डाइमेंशंस एंड प्राइस को छोड़कर ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स सामने आ गई है। वहीं Extra के सेगमेंट में टाटा की माइक्रो SUV पंच पहले से ही मौजूद है, जिससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि हमें पंच लेनी चाहिए या फिर Hyundai Extra का वेट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कार्स को कंपेयर करेंगे, इनमें से आपके लिए कौन सी कार का बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डायमेंशंस की। तो यहाँ पर Hyundai Extra की कंप्लीट डायमेंशन अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट इसको सेम i10 Nios के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है एंड ये एक माइक्रो SUV है, तो इसकी डायमेंशंस की कंप्यूटर कार के सिमिलर ही होगी। बट Extra के व्हील बेस को रिवील कर दिया है, जो कि मिलता है आपको 2450 mm का, जहाँ पर पंच की डायमेंशंस कुछ इस प्रकार है। अब बात करते हैं इनके इंजन्स की। तो Extra में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 82 BHP की पावर एंड 114 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं पंच में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 84 BHP की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर दोनों कास्ट में ऑलमोस्ट सेम ही पावर मिलती है, केवल माइनर सा डिफरेंस है। लेकिन Extra में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पंच के इंजन से ज्यादा रिफाइंड है, जिससे Extra में पंच के मुकाबले नॉइस एंड वाइब्रेशन ना के बराबर होगी। इसी के साथ Hyundai Extra में आपको CNG का भी ऑप्शन मिलता है, जहां पर ये वीडियो बनाते समय पंच के CNG वेरिएंट को मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। तो यहां पर इंजन वाइज Extra ज्यादा बेटर है पंच से। अब बात करते हैं इनके एक्सटीरियर की। तो यहां पर दोनों ही कार्स प्रॉपर माइक्रो SUV है, जिससे इनकी डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही है, केवल माइनर सा डिफरेंस है। अभी आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों कार में से कौन सी कार का डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इन दोनों कार्स में काफी फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे LED DRL, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 16-inch अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, डिफोगर, LED टेल लाइट एंड ऑटो एडजस्टेबल ORBM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट यहाँ पर Hyundai Extra में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, स्पोर्टिक लाइटिंग एंड नॉर्मल डोर हैंडल मिलते हैं, जहाँ पर पंच के सनरूफ वाले वेरिएंट को फिलहाल मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। इनके सिवा एक्सटीरियर फीचर्स वाइज दोनों कार्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में भी दोनों कार्स में काफी फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, क्रूज कंट्रोल एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट Extra में आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, जहां पर पंच में आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है एंड Extra में आपको 8-inch इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। वहीं टाटा पंच में आपको 7-inch टच स्क्रीन मिलती है एंड Extra में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि पंच में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। बट Extra में आपको ड्यूल डैश कैम कैमरा, रियर AC वेंट एंड सेमी लेदर रेटेड सीट जैसे फीचर्स Extra मिलते हैं। बट अभी भी Extra के काफी फीचर्स सामने नहीं आए हैं, फिर भी फीचर्स वाइज Extra बेटर रहने वाली है टाटा पंच से। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो यहाँ पर सेफ्टी में टाटा पंच को GNKM द्वारा 5-star की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर Extra का फिलहाल कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। बट Extra को i10 Nios के सेम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो कि उतना सेफ नहीं है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वाइज पंच क्लियरली विनर है Extra से। बट बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो Extra में आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग मिलते हैं, जहाँ पर टाटा पंच के टॉप वेरिएंट में भी आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। बट दोनों कार्स में आपको ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट एंड ISO फिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट यहाँ पर Extra में टोटल 40 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, आपको टाटा पंच लेनी चाहिए या फिर Hyundai Extra का वेट करना चाहिए। देखिए, वैसे तो फिलहाल Extra की प्राइसिंग एंड काफी फीचर्स अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, बट Extra भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर ही लॉन्च होगी, जो कि पंच की प्राइसिंग से सिमिलर होगी एंड इंजन रिफाइनमेंट, बेटर फीचर्स एंड सनरूफ जैसे फीचर्स अगर आपको पंच की प्राइस पॉइंट पर मिले तो डेफिनेटली आपको Extra के लिए वेट करना चाहिए। तो ये था Extra एंड पंच का छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। कमेंट में बताना आपको इन दोनों कार में से कौन सी कार ज्यादा बेटर लगती है एंड Extra की लॉन्चिंग के बाद इनका कंप्लीट फीचर डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।